कक्षा 11वीं गणित मैं आरएस प्रसाद सर आज आप लोगों को सम्मिश्र संख्याएं इकाई का घनमूल का भाग 17 कराने जा रहा हूं। चलिए देखिए इसमें क्या दिया हुआ। तो सबसे पहले ये सिद्ध कीजिए कि सम्मिश्र संख्या -4 + 3i - 2 - 3i और -i से निरूपित होने वाले बिंदु समरेखित हैं। तो पहले बिंदु दिखा लेते हैं कौन कौन से। तो पहले तो -4 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, एक बिंदु हो गया। दूसरा बिंदु 2 और -3 हो जाएगा और तीसरा बिंदु जो आएगा वो कितना हो जाएगा, 0 और -1 हो जाएगा। चलिए देखिए पहले सबसे पहले करना है -4, 3 व 2 - 3 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। तो पहले बच्चों इसका समीकरण का सूत्र लिख लेते हैं। ये सूत्र होता है y - y1 = y2 - y1 और बटे में फिर x2 - x1 हो जाएगा और यहाँ x - x1 आ जाएगा। चलिए y - y1 जरा ध्यान देखिए, ये 3 है यहाँ पे दिया हुआ, तो ये 3 हो गया बराबर y2 कितना है, माइनस का 3 है और y1 है 3, तो माइनस का 3 हो जाएगा ये। और x2 ध्यान से देखना 2 है यहाँ पे, माइनस x1 का मान -4 है तो इसको प्लस कर देगा तो प्लस का 4 हो गया और यहाँ x - x1 का मान कितना है, माइनस का 4 है तो -4 यहाँ लिख दिया गया। अब इसको सही कर लीजिए तो y - 3 बराबर ऊपर तो माइनस का 6 हो गया, नीचे 6 हो गया और x - 4 हो गया, तो 6 से 6 कट जाएगा, 1 आ गया। अब इस सबको इधर ले जाइए तो x - 4 हो गया और प्लस का y - 3 हो गया बराबर 0 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये x + y - 7 = 0 समीकरण नंबर 1 हो गई। अब ध्यान रखना इसमें कि ये समीकरण नंबर 1 अगर ये समरेख है तीनों बिंदु, तो ये जो है बिंदु लास्ट वाला बिंदु 0 - 1 इस रेखा 1 को संतुष्ट करेगा। तो देखो यदि बिंदु कौन सा 0 - 1 रेखा 1 पर स्थित है तो यह बिंदु रेखा को संतुष्ट करेगा। मतलब क्या होता है इसका, ये देख लीजिए, मतलब x और y की जगह ये बिंदु रखने हैं। तो देखो 0 रखा गया एक तो x की जगह पे और इस वाले में बच्चों x1 का मान -4 था यहाँ पे, तो ये -4 रखेंगे तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, तो ये भी प्लस का 4 हो जाएगा। तो अब इसमें ये इधर जाएगा तो ये प्लस का 4 हो जाना चाहिए था और ये प्लस का जो 7 दिखाई दे रहा बच्चों ये 1 लिखा हुआ। यहाँ पर 4 - 3 यानी प्लस का 1 हो जाएगा बराबर 0। ये ध्यान रखना, समीकरण थोड़ी सही कर लेंगे आपको। तो यदि बिंदु 0 - 1 रेखा 1 पर स्थित है तो यह बिंदु रेखा को संतुष्ट करेगा। मतलब x की जगह आपको 0 रखना है और y की जगह -1 रखना है, तो ये माइनस का 1 हो गया और ये प्लस का 1 हो गया और बराबर 0 है तो ये 0 = 0 हो गया। इसका मतलब ये इसको संतुष्ट कर रहा बिंदु को, इसका मतलब ये तीनों बिंदु एक रेखा में है। अतः -4, 3 और कौन सा 2 - 3 और कौन सा 0 - 1 संरेख है या समरेख है। ये तो एक मेथड था, एक दूसरा मेथड भी है बच्चों, उसको भी करके देख लीजिए क्या है, सेकंड मेथड को भी देख लेते हैं क्या चीज है। सेकंड मेथड में क्या होता है, इसके द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए 0। तो देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेता हूं मैं, माइनस का 4 है और यहाँ पे कितना है 3 है और 2 है और माइनस का 3 है, 0 है और माइनस का 1 है। ऊपर वाले को दोबारा लिखते हैं, माइनस का 4 है और ये 3 है। तो देखिए कैसे करना होता है इसको, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका सूत्र होगा 1/2। पहले इसकी गुणा इससे करेंगे तो 4 * 3 = 12 हो गया और फिर इसकी गुणा इससे कर देंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा और इसकी गुणा इससे कर देंगे तो प्लस का 0 आ जाएगा। अब माइनस होता है, इसकी गुणा इससे करेंगे तो 3 * 2 = 6 हो जाएगा और इसकी गुणा इससे करेंगे तो ये 0 हो जाएगा
और इसके गुणा इससे करेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा, 1/2 ये देखिए यहाँ पर तो 10 बच गया और माइनस यहाँ पर जो बचेगा वो भी 10 बच जाएगा, यानी कितना हो गया 1/2 तो 10 माइनस 10 यानी कि पूरा का पूरा ये 0 हो गया। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 हो जाता है तो बिंदु संरेख होते हैं, इसलिए तीनों बिंदु क्या होंगे, तीनों बिंदु समरेख होंगे। तो ये बच्चे इस तरह से ध्यान रखना है आपको, यही आंसर हो जाएगा इसका, मतलब सीधा हो जाता है इस तरह से, या यहां तक कर दीजिए। तो दोनों तरीके हैं आपको, दोनों तरीके में से जो अच्छा लगता है उसको आपको करना है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है ये है इसका मापांक ज्ञात करना है, तो हम इसको a प्लस आई बी के रूप में लिख लेते हैं, कितना है 1+i है और दूसरा है 1+2i है और तीसरा है 1+3i है। चलिए पहले 2 की गुणा कर लेते हैं, इसकी कर लेते हैं 1 जब 1 मतलब 1 की 1 से गुणा करेंगे 1 हो जाएगा, फिर इसकी 2i से 2i हो जाएगा, फिर i की 1 से तो i हो जाएगा, फिर इसकी करेंगे तो 2i का वर्ग हो जाएगा और ये इसको ऐसे रहने दो बेचारे को, बड़ा बहुत अच्छा लगता है। तो ये है आपका कितना हो गया, यहाँ से देखते हैं ये 1 हो गया, प्लस का 2 और 1 3 हो गया और i, और प्लस का 2 है, i स्क्वायर का मान -1 होता है और 1+3i यहाँ पे पहले से मौजूद है। अब देखते हैं कितना हो जाएगा, ये हो गया 1+3i और माइनस का 2 हो गया और यहाँ 1+3i हो गया। अब ये बचा कितना, माइनस का 1 हो गया, प्लस का 3i हो गया और यहाँ जो बचा 1+3i हो गया। अब ध्यान से देखो ये क्या है, a माइनस बी और a प्लस बी लिखा हुआ है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, इसका मतलब ये 3i का वर्ग हो गया और माइनस 1 का वर्ग हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी लिखा हुआ। तो देखिए 3i स्क्वायर का मतलब 9i स्क्वायर हो गया और माइनस का ये 1 मौजूद है यहाँ पे, तो कितना हो गया 9i स्क्वायर का मान कितना होता है, माइनस का 1 होता है और माइनस का 1 है, तो कुल मिलाकर कितना हो गया, माइनस का 9 और माइनस 1 ये आ गया माइनस का 10, माइनस 10 आ गया, इसको क्या लिखेंगे, माइनस 10 प्लस का 0i ऐसा लिखेंगे और ये a प्लस आई भी है। तो मापांक निकालना है बच्चों, मापांक, मापांक हम r से दिखाते हैं, तो r का जो सूत्र होता है वो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ से a का मान बच्चों कितना आ गया, माइनस 10 आ गया और b का मान 0 आ गया, रख दीजिए, माइनस 10 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 0 का स्क्वायर हो जाएगा और इसका अंडर रूट कितना हो गया, 10 का वर्ग तो 100 हो गया और ये 0 ही रह गया, तो कुल मिलाकर कितना हो गया, वर्गमूल 100 हो गया और ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा और यही पे ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर भी बढ़ते हैं हम लोग, ये अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ये है यदि आर्गन आरेख पर बिंदु P सम्मिश्र संख्या Z बराबर X प्लस IY को निर्दिष्ट करता है तो P का बिंदु पर ज्ञात कीजिए जबकि पूर्णांक Z बराबर 0 है। तो Z का मान बच्चों दिया हुआ जो है वो X प्लस IY होता है, पूर्णांक जो होता है बच्चों ये भी ध्यान रखना है, कोण को बोलते हैं, पूर्णांक थीटा होता है और थीटा का मान दिया हुआ है, सूत्र जो होता है tan इनवर्स y/x होता है। अब ये कोणांक जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, जेड का मान 0 दिया हुआ है कोणांक का, तो कोणांक जेड जो रखा 0 तो यहाँ पे 0 रख दीजिए, बराबर कितना हो जाएगा tan इनवर्स y/x हो जाएगा। तो y/x का मान कितना हो जाएगा, tan 0 हो जाएगा और tan 0 का मान जो है कितना होता है, tan 0 का मान 0 होता है, तो y बराबर 0 गुणा x, तो y बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब y बराबर 0 तो ये x अक्ष को दर्शाता है, ये क्या लिखेंगे, यह x अक्ष की समीकरण है और यही इसका बिंदु पद होगा, ठीक है। तो क्या बताना है, तो अतः p का बिंदु पद x अक्ष होगा, ये आपका आंसर बच्चों, ठीक है, यानी कि समीकरण x अक्ष समीकरण होगी तो इसका बिंदु पद में क्या दिखाई देगा, x अक्ष दिखाई देगा। चलिए एक और चीज देख लेते हैं, ये कुछ बताया जा रहा है,
जेड वन जेड टू दो अशून्य सम्मिश्र संख्याएं हैं, इस प्रकार हैं कि मॉडल जेड वन प्लस जेड टू बराबर मॉडल जेड वन माइनस जेड टू, तो सिद्ध कीजिए, ये सिद्ध करके दिखाना है। चलिए देखते हैं, सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। मॉडलस जेड वन प्लस जेड टू और बराबर दिया है जेड वन माइनस जेड टू का मॉडलस। तो सबसे पहले क्या करना है, दोनों ओर वर्ग करने पर, चलिए वर्ग कर लेते हैं। तो मॉडलस का जेड वन प्लस जेड टू इसका वर्ग हो जाएगा बराबर मॉडलस ऑफ जेड वन माइनस जेड टू इसका वर्ग हो जाएगा। देखिए इनका सूत्र लगाना है बच्चों, ध्यान रखना सूत्र बहुत जरूरी है याद होने। तो मॉडलस का सूत्र क्या होता है, मॉडलस ऑफ जेड वन का वर्ग होता है प्लस मॉडलस ऑफ जेड टू का वर्ग होता है, और प्लस का टू जेड वन जेड टू ये सब मॉडलस होते हैं बच्चों, और कॉस थीटा होता है। ऐसे इसका भी लिख लीजिए, मॉडलस ऑफ जेड वन का वर्ग प्लस मॉडलस ऑफ जेड टू का वर्ग हो जाएगा, और माइनस आ जाएगा टू मॉडलस ऑफ जेड वन मॉडलस ऑफ जेड टू और कॉस थीटा हो जाएगा। चलो ध्यान देखना, ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहां से ये भी इसका कैंसिल हो जाएगा, इसको इधर लाना है तो दो हो गया, मॉडलस ऑफ जेड वन है फिर मॉडलस ऑफ जेड टू है कॉस थीटा है, ये इधर आकर के प्लस का हो जाएगा टू मॉडलस ऑफ जेड वन मॉडलस ऑफ जेड टू और कॉस थीटा बराबर जीरो। तो ये दो और दो चार हो गए, चार जेड वन हो गया मॉडलस का और मॉडलस का जेड टू हो गया और कॉस थीटा हो गया बराबर जीरो। तो ये सारे जीरो में पहुंच जाएंगे तो कॉस थीटा का मान कितना आ गया, जीरो आ गया, यानी कॉस थीटा बराबर कितना हो गया, कॉस पाई बाई टू हो जाएगा, यानी थीटा का मान जो आ गया वो पाई बाई टू आ गया, लेकिन थीटा जो होता है वो थीटा वन माइनस थीटा टू होता है, थीटा जो है थीटा वन माइनस थीटा टू होता है। तो ये बराबर कितना हो गया, ये पाई बाई टू हो गया। इसी को हम बोलते हैं ए आर जी आर्गन जेड वन, और माइनस इसको दूसरे को आर जेड टू बोलते हैं, और बराबर कितना हो गया, पाई बाई टू हो गया। यही हमें सिद्ध करना था। तो बच्चों ध्यान रखना इसको कि जो थीटा है यानी थीटा वन वो क्या हो जाएगा, आर जेड वन बोलते हैं कोणांक है, इसको लिखने का तरीका है, और थीटा टू जो है वो आर जेड टू बोलते हैं। तो ऐसा आपको लिखने का ढंग पता होना चाहिए, और थीटा जो होता है वो थीटा वन माइनस थीटा टू के बराबर होता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि थीटा का मान इसमें थीटा वन माइनस थीटा टू के बराबर होता है, दोनों का सूत्र याद होना चाहिए। और एक सूत्र और ये जेड वन माइनस जेड टू का जो मॉडलस होता है, ये भी सूत्र है आपका, ये मॉडलस ऑफ जेड वन का स्क्वायर प्लस मॉडलस ऑफ जेड टू का स्क्वायर, इसमें प्लस हो जाएगा टू मॉडलस ऑफ जेड वन मॉडलस ऑफ जेड टू और कॉस थीटा, और ऐसे ही आपका मॉडलस ऑफ जेड वन प्लस का, यहाँ पे प्लस था बच्चों तो यहाँ पे प्लस लेके चलेंगे, अब यहाँ पे माइनस लेके चलेंगे, यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस रहता, अब माइनस वाले में माइनस आएगा। तो ये देखो क्या है, ये हो जाएगा जेड वन का स्क्वायर, यहाँ पे दो है पावर बच्चों, प्लस का यहाँ जेड टू है इसका स्क्वायर हो गया, माइनस आ जाएगा यहाँ टू जेड वन का मॉडलस और जेड टू का मॉडलस कॉस ऑफ थीटा। तो ये सूत्र है, इन सूत्रों को आपको याद होने चाहिए, और इसको इस सहायता से ही अपने प्रश्नों को हल कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। चलिए एक और प्रश्न हल करने की कोशिश करते हैं हम लोग। ये दिया हुआ है जेड है और जेड प्लस आई जेड है, और आई जेड से निर्मित बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहला बिंदु आ रहा है z, z का मतलब कितना है x प्लस आई वाई, तो बिंदु कितना हो गया x कॉमन y हो गया। दूसरे में है z प्लस आई जेड, तो मान रख दीजिए x प्लस आई वाई हो गया, और प्लस का आई हो गया और x प्लस आई वाई हो गया। चलिए इसको भी देखते हैं, तो ये कितना हो गया x प्लस आई वाई, अंदर गुणा कर दीजिए तो आई एक्स हो जाएगा, और प्लस का आई स्क्वायर वाई हो जाएगा। तो देखिए ये एक्स प्लस इसमें से आई कॉमन ले लीजिए तो वाई प्लस एक्स हो जाएगा,
और आई स्क्वायर का मान माइनस वन होता है और वाई हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, एक्स माइनस वाई हो गया, और ये एक्स प्लस वाई है साथ में, यहाँ प्लस है और ये आई है आपका। तो ये जो बिंदु आ गया, इसके बिंदु पे ध्यान देंगे तो ये कितना आ गया बिंदु, एक्स माइनस वाई आ गया और जीरो, ये जीरो नहीं, एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ये दो बिंदु आ जाएंगे, मतलब बिंदु के रूप में लिख दिया गया। एक और बिंदु बचा है आई जेड, आई जेड को भी लिख लेते हैं। आई जेड का मतलब आई हो गया और यहाँ पे एक्स प्लस आई वाई है, अंदर गुणा कर दीजिए तो आई एक्स हो जाएगा और प्लस का आई स्क्वायर वाई हो जाएगा। तो ये आई एक्स हो गया और ये माइनस का वन हो जाएगा और वाई हो गया, इसका मतलब कितना हो गया, माइनस का वाई और प्लस का आई एक्स हो गया। तो बिंदु कितना हो गया, माइनस का वाई हो गया और एक्स हो गया। तो बिंदु सबके मिल चुके हैं, अब हमें क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो पहले बच्चों यहाँ पे लिख लेते हैं सारे हम। पहले वाले में बिंदु था कितना, एक्स था और वाई था। फिर दूसरे वाला बिंदु आया एक्स माइनस वाई, और दूसरा है एक्स प्लस वाई। तीसरा बिंदु जो आया वो माइनस का वाई है और एक्स है। ऊपर वाले को दोबारा लिख लेते हैं हम एक्स और वाई, और त्रिभुज के क्षेत्रफल का हम सूत्र लगा देते हैं। देखो कैसे लगता है, अभी दिखाता हूँ आपको करके। तो सबसे पहले तो सूत्र में आता है एक बटा दो, इसकी गुणा इससे कर देंगे। तो ये गुणा ध्यान रखना, पहले इसकी गुणा इससे होनी है। तो ये क्या लिखेंगे, एक्स लिख देंगे और एक्स प्लस वाई लिख देंगे, ये गुणा हो गई आपकी। और फिर इसकी गुणा इससे होती है तो बीच में प्लस आ जाता है, तो एक्स माइनस वाई है, इसकी गुणा किसके साथ है, एक्स के साथ है। और इसकी गुणा इससे हो जाएगी तो माइनस का ये वाई स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस आता है हमारे सूत्र में, चलिए इसकी गुणा इससे कर देंगे तो वाई की गुणा किससे हो जाएगी, एक्स माइनस वाई से हो जाएगी। अब इधर एक्स प्लस वाई की गुणा माइनस वाई से हो जाएगी, तो माइनस ही कर दीजिए वाई और एक्स प्लस वाई। अब एक और एक्स की एक्स से गुणा करेंगे तो ये एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, ये ब्रैकेट बंद हो चुके हैं। अब यहाँ आ गया एक बटा दो, इसके अंदर गुणा कर दीजिए तो एक्स का स्क्वायर हो गया प्लस का एक्स वाई हो गया, इसके अंदर गुणा कर दीजिए प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया माइनस का एक्स वाई हो गया माइनस का वाई स्क्वायर हो गया। अब इसमें और अंदर गुणा करनी है, देखिए क्या होती है गुणा करके, इसकी गुणा करेंगे तो एक्स वाई आ जाएगा और इसकी गुणा करेंगे तो माइनस का वाई स्क्वायर हो जाएगा। और इधर गुणा करिए, माइनस का ही कितना होगा, एक्स वाई हो जाएगा और माइनस का ही वाई स्क्वायर हो जाएगा, गुणा कर चुके हैं, और प्लस का एक्स स्क्वायर और मौजूद है। तो चलिए प्लस का एक्स स्क्वायर भी हमने कर दिया है, ये ब्रैकेट बंद हो चुका है। अब इसके बाद देखते हैं, एक बटा दो हो गया, यहाँ पे क्या होता है एक्स वाई कट जाएंगे, जो बचेगा एक्स स्क्वायर कितना हो गया, दो एक्स स्क्वायर हो गया और माइनस का वाई स्क्वायर एक ही है, और माइनस का ये ब्रैकेट में सही कर लेते हैं। एक्स वाई यहाँ भी कट जा रहे हैं, माइनस का वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या है एक्स का स्क्वायर है और माइनस का दो वाई स्क्वायर है। चलिए और हल कर लेते हैं, तो एक बटा दो हो गया, अब ब्रैकेट बिल्कुल खुल जाएगा, दो का एक्स स्क्वायर हो गया माइनस का वाई स्क्वायर हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का दो वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए कितना आ गया, एक बटा दो आ गया है, और एक तो एक्स स्क्वायर बच जाएगा और एक वाई स्क्वायर बच जाएगा, और यहीं पे आंसर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे मॉडुलस ऑफ जेड का मान निकालें बच्चों, तो ध्यान रखना ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। तो मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी एक बटा दो मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर। तो इधर भी आंसर कर सकते हो, चाहे यहाँ आंसर कर लीजिए, आपका मर्जी है, जैसा चाहो वैसा आप लोग लिख सकते हो। आज की वीडियो में मैं यही छोड़ रहा हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दिया है, ये दिखाई दे रहा है, तो दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे आप लोगों को कैसा लग रहा है, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके, और इस बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मेरी वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।